Hi everyone, welcome to EJ Competitive Classes. So in this lecture we will discuss Vision IS monthly magazine. Okay, that is your November month. तो ऑलरेडी होची ये होची पॉलिटी एंड होची गवर्नेंस सेक्शन रो डिस्कस करू छी कारण यार भी हमें ऑलरेडी होची दैटा पार्ट होची कवर अप करै छौ तो जे मने भी प्रथम थोर पे चैनल को विजिट कर था डेफिनेटली जाई से सब देखि परिवो ओके तो एठी हमें बहुत ब्रीफली कवर करै छौ से सब जेंस एवं कवड़िया ढांचा रे क्वेश्चन आसु छी तो सेते पति भी हमें ध्यान रखि छौ ओके देन एठी होची आउ से वेला गोटे टू छी नेक्स्ट जे टॉपिक थला तो 1.4 दैट इज रुचे राइट टू इंफॉर्मेशन तो या ऊपर हमें आज एठी डिस्कशन करिवा राइट सो विथाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट तो ये कौन न्यूज रही है आरटीआई ओके समस्ते जान ये हूँ दैट इज रही आरटीआई तो न्यूज कौन आसी ना रिसेंटली जी देखा सुप्रीम कोर्ट हूँ निर्देश देचे क्या ना स्टेट गवर्नमेंट गुड़ा आउ सेंट्रल गवर्नमेंट तो इनको निर्देश देचे तुम्हें हूँ फिलअप कर सब जहाँ भी तुम सेंट्रल जो इनफर्मेसन कमिशनर है कि स्टेट इनफर्मेसन कमिशनर ओके तो ये कमिशन गुड़ाक तुम्हें फिलअप कर ये सब जो वैकेंसी जहाँ भी सब रही है तो यार रिलेटेड न्यूज था तो ये तो ये इंपोर्टेंट ना कि आमर हूँ जाना दरकार जेहतु आरटीआई रो क्वेश्चन तुम गोटे लखाएं रही थाई ओके आईदार हो बहुत प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू रु भी हमें कोई परबा विथ मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू रु भी ये इंपोर्टेंट रही थाई ओके तो ता पूर्व रहउ छी जानिबा जे आरटीआई टा कोन आरटीआई कोइले कोन बुझु छ इटे लेखा आइथो आई थिंक इटे लेखा छै सिंपल देखो पॉज करियो ओ निजे तरफ रु पढो ओके आ ये मैगजीन सब फ्री ली अवेलेबल रहउ छी ओके वेबसाइट को जेबो सेठो डाउनलोड करि परबो इटे कोन कहउ छी देखो आरटीआई मींस दैट एनी इंडियन सिटीजन कैन रिक्वेस्ट एनी इनफॉरमेशन ओके तो ब्रैकेट रे कोन दिया होइ छी व्हिच इज सपोज टू बी पब्लिक नॉलेज ओके फ्रॉम ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कथा तो सिंपल माने कहवा कथा दैट इज रोचे जी मुझे कहि आरटीआई टा कौन एटा गोटे तुम्हें भाव गोटे ये हूँ तुम भाव कौन दैट इज रोचे गोटे लो जोटा कि आमको देखेब जी सिंपली व्हिच गिव्स एन ऑर्डिनरी सिटीजन एन ऑर्डिनरी सिटीजन सिटीजन द राइट टू आस्क क्वेश्चन राइट गोटे अधिकार दिए ना राइट टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट राइट तो ये हूँ थी आमर कथा तो मान हूँ कह मैंने ये जिनसटा करवा द्वारा आम भितर हूँ कौन देखाई थे आरटीआई तापर आम जी एक्चुअली कौन कहे न्यूज़रे ओके तो डेफिनेटली ये जिनसटा जी हेल्ला आमर जो गुड के गवर्नेंस के स्ट्रंगेस्ट अच्छे गुड गवर्नेंस के मात्रा जब आम कहीपर दैट इज ये जिनसटा को दर्शेब लोक मर पार्टीसीपेसनटा दर्शेब ये मुझे जी कह कथा गोटे ट्रांसपेरेन्सी आस गए ट्रांसपेरेन्सी आसो बुझे हो गोटे हूँ रेस्पोन्सबिलनेस जो कहे आम रेस्पोन्सबिलनेस जो जिनसटा तो गोटे दायित्व बोध गोटे जिनस आसो ये तेज ये गोटे आम कहींपर लेजिटी मेसी आसपर ओके ये सब बेसिक बेसिक बेसी बेसी जिनस कहीदेली जो मैंने भी आईडिया नरटीआई कौन तो बुझे होके तो सिंपल ये हूँ तुम्हें भी कहींपर ये एम्पावर करेकोसी आम जब देखो इंडिया सिटीजन मानक ओके तो डेफिनेटली से जो पब्लिक अथॉरिटी पब्लिक पीए ओके पब्लिक अथॉरिटी पाखर से चाहिए जो सब इनफर्मेसन को रिक्वेस्ट करकेपर ओके गोटे टाइम बाउंड मेनर में गोटे जिनसटा पाइपर तो ये पति हूँ आरटीआई थी तो एगेन जाऊँचे कौन कह न्यूज़ रे तो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देचे जे स्टेट गवर्नमेंट आउ चे सेंट्रल गवर्नमेंट गुडा को जे वैकेंसी जहाँ भी रही सब सीआईसी किंबा एसआईसी रो तो ये सब जिनस गुडा को तुम फिलअप कर आउ भी अधिक भी न्यूज़ रे रही सब जिनस भी कहुई तुम ताको पढ़ी पारिबो निजे राइट किंतु आ गोटे कथा है देख डेस्पाइट 2019 रे गोटे जजमेंट थिला सुप्रीम कोर्ट रो जोटा कि तुम केसटा जी देख अंजलि भरद्वाज एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस होचे यूनियन ऑफ इंडिया ए केस रे कहा जाइतला द वैकेंसी इन द सेंट्रल इनफॉर्मेशन कमिशन एंड द स्टेट इनफॉर्मेशन कमिशन हैज नॉट ना हेड नॉट बीन फिल्ड ता माने हो कौन ये जिनसटा से कही बहुत मात्रा रोचे केसेस गुड़ा पेंडिंग पेंडिंग तुम हो डिस्पोजल भी बहुत जिनस रही जाइए पेंडिंग बोली ये जिनस देखेला कितु ता पूर्व इंपोर्टेंट बोले हूँ ये तुम आसीज जो प्रिलिम गोटे स्टेटमेंट बेस रही जो सीआईसी जो तुम आरटीआई जो अमेंडमेंट एक्ट जो आसी 2019 कथा तो ये पार्टिकुलरली पचार ओके पूर्व जान सेंट्रल इनफॉर्मेशन जो कमिशन कहले हूँ ये हूँ स्टैट्यूटरी बॉडी ओके ये भी ऑप्शन देखिबो हेज कन्स्टिट्यूटेड हाँ कन्स्टिट्यूट विथ इफेक्ट फ्रम हो 2005 अंडर हो आरटीआई एक्ट 2005 तापर भी जहाँ भी हो यही जब देख 2019 जो आम्बेडमेंटा होता
এই আমেন্ডমেন্টরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ কইবা মানে হচ্ছে নিজ হাত কু হি নেই যাইতলা সে আরটিআই কো ঠিক আছে তা মানে হচ্ছে সে হি নোটিফাই করিব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে টার্ম কেতে রইব সেমানকর সিআইসি গুডার ওকে কিংবা তার যে স্যালারি স্ট্রাকচার তো যাহা বি হোক সিআইসি আইসি ইনফরমেশন কমিশনার তো এমানকর বথ হচ্ছে সেন্ট্রাল লেভেল রে বি স্টেট লেভেল রে বি এমানকর হচ্ছে এই জিনিসটা সে ওয়ান টাইপ অফ নেই নেইতলা আউ কোন হইতলা পূর্বর যে বড়া 2005 রে অ্যাক্ট রে যে বড়া তুমি জানিতিব 5 বর্ষ যে তাক টেনট ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2019 ଯେଉଁ ଆକ୍ଟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଟେନରଟାକୁ ଦିଆଗଲା ଟର୍ମଟା ରାଇଟ୍ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା କଥା ଆଉ ତ ବେଶ ଜିନିଷ ସିଏ ରହିବ ତ ଯଦି ପଚାରିବି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଚାରିବ ଯେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ 2019 ରେ କ'ଣଟା ହେଇଥିଲା ଓକେ ଏଇଠି ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମ ରହିବ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା ଏବାଉଟ୍ ଆର୍ ଟି ଆଇ ଆଚ୍ଛା ଆର୍ ଟି ଆଇ କଥା କହିଲି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଆର୍ ଟି ଆଇ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆର୍ ଟି ଆଇରେ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଜିନିଷ ଯେ ଇଏ ବି ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ବି ତୁମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଥାଇପାରେ କିଛି ଅଜିବି ନାହିଁ ଓକେ ତ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ପଚାରିଦେବ କିମ୍ବା ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କରିକିନା ଆର୍ ଟି ଆଇରେ ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ତ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ପଚାରେ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଇଏ ହେଉଛି ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ବା ପିପୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିର ଇଏ ହେଉଛି ଏମ୍ପାୱାର୍ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଡେଟି ହେଉଛି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବି କହିପାରିବ ବୁଝିହେଉଛି ଅପସନ୍ରେ ଯଦି ଥିବ ଦେଖିବ ଦେନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଯଦି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ସୂଚନାଟା ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟାକୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର୍ ରହୁଛି କିଛି ଏତେ ଏଇ ରହୁନି ଓକେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଚେକ୍ କରିଥାଏ କରପ୍ସନ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହେଉଛି ତୁମର ମାନେ ଚେକ୍ କରିଥାଏ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଉ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କହିଲେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ହାରାସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବୁଝିହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରବାର ବାରବାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରାଯାଇଥାଏ କିଛି କିଛି ଅଫିସରକୁ ଏଇସବୁ ରହିଥାଏ କାରଣ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ କ'ଣ କହିବି ଅଫିସରମାନେ ଯଦି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଏଭଏଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତିନି ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓକେ ତ କିଛି କିଛି ରହିଛି ଆଉ ଆମ ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍କାର୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିଛ ତ ଗୋଟେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାମ୍ନାପଟେ ଧରାଯାଏ ଦରକାର ହେଉଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ହିଁ ନାହିଁ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏ ଅଫିସର୍ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଥିବ ସେ ଅଫିସର୍ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ ବୁଝିହେଉଛି ତ ଯାହାଫଳରେ ଡିଲେ ରହିଥାଏ ତ ଇଏ ବହୁତ ହାର୍ସ ଜିନିଷ ତ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ଜାଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯେ 1986 ତୁମର ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ରହୁଛି କୁନୱାଲ ଭର୍ସେସ୍ ଜୟପୁର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆସିଥିଲା ଏଇ କେସ୍ରେ ତ ଏଇଠି ସେ ଡିରେକ୍ଟ କରିଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବ ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ 19ରେ ଅଛି ହେଉଛି ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ତ ଇଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଦେଖିବ ତ ୱିଥାଉଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଫୁଲ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ସିଟିଜେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା କିଏ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ଯଦି ବି ଆସିଥାଏ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ କୁନୱାଲ ଭର୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜୟପୁର ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ କେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆର୍ ଟି ଆଇ ତ ଏ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ରାଇଟ୍ ଆଉ ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ କିଏ ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ପଚାରିପାରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ରହିଛି ତ ଆର୍ ଟି ଆଇ ଆକ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଯେଉଁ MOP ତୁମର ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଓକେ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି DOPT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯାଉଛି ଇଏ ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ବା ପର୍ସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂର DOPT ରାଇଟ୍ ତ ଇଏ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା କଥା କିନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ରହୁଛି ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆସିବ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିପାରିବ ଦେଖ ଏଇଠି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦିଆହେଉଛି କିଛି କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ RTI ଆକ୍ଟ 2005ର କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଅଥରିଟି କଥା ଲେଖାହେଇଛି ଦେଖ ତ ଇଏ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଯଦି ବି ପଚାରେ ଡେଫିନେସନ୍ ଏତେ ସେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ବି ପଚାରେନି କିନ୍ତୁ ବି କେତେବେଳେ ବି ଦେଇଦେଉଛି କିଛି ଏଇ ରହୁନି ଓକେ ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଥରିଟି ମିନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ଏନି ଅଥରିଟି ଅର୍ ବଡ଼ି ଅର୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ଅର୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାଇ ଅଣ୍ଡର୍ ହେଉଛି କାହାଦ୍ୱାରା ନା କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଏନି ହେଉଛି ଲ ମେଡ୍ ବାଇ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଲ ଆକାରରେ ବି ଯଦି ହେଇଥିବ ଓକେ କିମ୍ବା ବାଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଅର୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଦି ଦେଖିବା ପବ୍ଲିକ୍ ଅଥରିଟିଟା କହିଥାଏ ମୁଁ କହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ କିଛି କିଛି ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେଗୁଡ଼ାକୁ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ବୁଝିହେଉଛି ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଇପାରିବନି ତୁମେ ବୁଝିହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ଜିନିଷଟା ଆର୍ଟିଆଇରୁ ଯେମିତିକା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଯେଭଳିଆ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ରୋଡ଼ ଆମେ କହିପାରିବା BSF, CRPF
CRPF, CRPF, आ इवन तुम्हारे NCB भी आसे, ओके, NCB है ला, DRI है ला, ये सब जिनसे तुम्हें आसे भी जानी चाहो, ठीक ना नहीं, तो इवन को exclude को दिया ही चाहिए, ये सब जिनसे उड़े जगड़ के तुम्हें exempt को दिया ही चाहिए, जहाँ पड़े के तुम्हें सिटो information पाई पड़ी होनी, तो किसी जिनसे भी रखा ही थे, सब section जेब उड़े इटे लिखा ही चाहिए, देखो, section सेक्शन फोर जो क्लोजर वन एंड हो सब क्लोज बी इटी कौन दिखाई ले डाउन इनफर्मेसन हुई सुड बी डिस्क्लोज ओके डिस्क्लोज बाय पब्लिक अथॉरिटी ऑन सो मोटो ओके किसी प्रो एक्टिव बेसिस रे तो किसी जिन जगुड़ा भी अच्छे जेगुड़ा कि तुम्हें देखा सो मोटो कहले कौन गोटे आपे आपे जो जिनसा कर तो पब्लिक अथॉरिटी भी तो लगे ये जिनसा हो डिस्क्लोज करवा दरकार किसी ठीक अच्छे तो आपे आपे से जिन प्रति से प्रो एक्टिव स्टेप ने हूँ कथा कितु ये जदि भी तुम किसी धरा जाऊ सप जी ई तो ये पार्सन जो जे चाहूँ जदि जड़े जे तार इच्छा अच्छे जो मुझे इनफर्मेसनटा ने पार्टिकुलाली तो रिक्वेस्ट करुचे आईदर से रिटिन फॉर्म रे रिक्वेस्ट करू कि से इलेक्ट्रोनिकल इलेक्ट्रोनिकल मिले से आईदर से मेल करू कि विभिन्न प्रकार वे भी अच्छे ओके अनलाइन रे भी कि जिनसा से जिनसा अच्छे से पाइपर तो सैटा कौ सेक्शन आरटीआई एक्टर अच्छे कहले दैट इज हूँ सेक्शन हूँ सिक्स क्लोजर वन अच्छे कह रईट तो ये एत भितर पचार तथा तो जाणी था देन जब देखा गोटे टाइम मुझे विथिन 30 डे भितर तुम इनफर्मेसनटा दरकार तो ये प्रपर देखो के टाइम लिमिट कौन ना तो ये हूँ भी जाणीवा कथा तो ये हूँ कौ सेक्शन में अच्छे ना सेक्शन नंबर 7 अच्छे ओके तो जो पीआईओ गुड़ा पब्लिक जो आम देखा जो इनफर्मेसन अफिसर गुड़ा पाखु जब देखा तर पाखु जो गोटे आम डाटाटा पाइबा गोटे फिक्स टाइम बाउंड मेनर गोटे आम जिनसा पाइपर दरकार रईट तो से जिनस कथा ये लिखाई देन ये सेक्शन 8 ये टी मार्क करो कारण ये जिनसा भी पड़ी पड़े देटी जाऊँगी एक्जेमसन मुझे भाया कौन कहली रफ कथा कहली तो यही कौ कौ जिनस गुड़ा एक्जेमसन करके से जिनस गुड़ा सेक्शन 8 तुमको लिखाई कारण यहीपाई कहली कारण ये लिखाई देख एक्जेमसन एक्जेमसन अंडर आरटीआई एक्ट हो 2005 तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रो हूँ डीओपीटी डिपार्टमेंट अफ जो तुम पर्सनाल ट्रेनिंग इश्यूड ए नोटिफिकेशन अंडर हूँ सेक्शन 24 क्लोजर 2 अफ आरटीआई एक्ट 2005 टू एक्जेम्प्ट इंडियन कौ जिनसा सीईआरटी दैट इज रोचे जो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पन्स टीम ओके ये हूँ आरटीआई मानते प्रिव्यू रे थिला ये आरटीआई प्रिव्यू मानते आरटीआई अंडर रे थिला भाव तो ये जिनस को से आरटीआई स्पेशली शेड्यूल 2 रे रखी दिगला शेड्यूल 2 रे रखी दिगला आउ शेड्यूल 2 रे जे गुडा भी तुम सेकंड शेड्यूल रे जे गुडा भी तुम रोहे आरटीआई रो जो सेकंड शेड्यूल रे देखिबो एक्टर ए सेकंड शेड्यूल जे गुडा भी रोहे एठी लेखा लागिजे सेकंड शेड्यूल रे जे गुडा भी रोहे एगुडा होचे माने वन टाइप ऑफ एग्जेम्प्ट आरटीआई प्रिव्यू ओके दैट इज हूँ रो आई वि जो कथा गुड़ा कहले आउ जिनस को देख ये कौन लिखाई एक्जेम्प्ट को दिगला क्या सीईआरटी को ओके देन हूँ ताको एडेड को दिगला कौ जगह सेकेंड शेड्यूल सिंपल तो जदि भी क्वेश्चन आसे तुम ये बच जदि भी आसे बेसिक पॉइंट दुईटा थी आ गए पॉइंट डायरेक्टली तुम सीईआरटी कथा लिखाई थो आईदर ना सेकंड शेड्यूल कथा फोकस करथो एग्जामिनर राइट तो ये होता कथा सिंपल आई थिंक भी तुम हूँ जो कौन नोटिफिकेशन आज आसी सारी थो बोधे ओके नोटिफिकेशन जो ओसीएसर ओसीएसर नोटिफिकेशन आसी जदि भी तार रिलेटेड किसी वीडियो चाहूँ तो कमेंट सेक्शन में जन पार तो तार रिलेटेड भी कर दिया ओके देन ये हूँ कौन कहुचे सिंपल हूँ अदर एक्जेमसन आउ कौन कौन रही है तो ये हूँ तुम काम होमें ब्रीफली टे पढ़ ओके तो मैगजीन डाउनलोड कर जो मैंने भी धराज प्रथम थर पर चैनल को आचे तो डेफिनेटली से सब देखो ओके देन ये गोटे अच्छे देख सेक्शन 8 हूँ क्लोजर 2 रे सेक्शन 8 क्लोजर 2 क्लोजर 1 गोटे पढ़ीदेब ओके देन क्लोजर 2 गुड़ा ये कौन कह इनफर्मेसन एक्जेम्प्ट अंडर हूँ कौन सब सेक्शन क्लोजर 1 एंड ऑफिशियल सीक्रेट जो एक्ट तुम रहा 1923 यही दुईटा जिनस देख मार्क कर तो कैन भी डिस्क्लोज जदि जदि इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोज ओवर वी द हार्म टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट ता माने हूँ कौन देख यो ओ एस ए एक्ट कह जाए दैट इज रोचे 1923 ये केवे होता ये ब्रिटिश 1923 मैंने स्वाधीनता के 47 पाला ठीक अच्छे ये पूर्वर था ब्रिटिश गवर्नमेंट समय तो से जिनसा केवल स्वाधीनता पर पूरे आसी था ये भी हिंदू न्यूज पेपर तुम इश्यू बारंबार 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 एडिटोरियल भी आसे ओके तो मानने ये हूँ ओसीआई एक्सटा कौन कौन से डिफाइन करुच्चे मानने वन टाइप कौन
तो ये तो एक्चुअली प्रॉपर्ली डिफाइन ही करिन थला जे सीक्रेट कोन सीक्रेट को जिनसोटा रखा जीवो बुझे होची तो ये सही जिनसोटा पर्टिकुलरली कहा होतला तो सही पई भी जदी देखिवो ए जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव तुमे जदी जे माने पढुतो जानिथिवो सेकंड एआरसी रिपोर्ट कोआ जाय दैट इज होची सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन जेउ ओके से सजेस्ट करितला जे ओसेटा जे तुमर जदी मु कहबी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जे 1923 कथा जदी देखिबा तो ए यार होची माने ये तो कॉलोनियल समय रो माने सही क्लाइमेट रो ओरिजिनेट हेचे तो गुटे मिस्ट्रस्ट माने करूचे लोक मान को एवं तार ताको नेकना गुटे आको चलेबाटा वन टाइप ऑफ पब्लिक ऑफिशियल मान को तो एगा को नेकना एबे वर्तमान रोचे सिटीजन को डीलिंग करिवा वन टाइप ऑफ ए होचे देखिबो ये होचे हमर कल्चरल सीक्रेसी को गुटे हनन करूचे ए भळा कोन गुटे कहितला बुझी होचे तो ये गुटे कहिले ओवरऑल गुटे जिनसोडा आईडिया लागि जीवो आई थिंक ये होचे क्लियर होचे ठीक ना नै तो सेई पई सेई ओसे एक्स्ट्रा बिटिक इंपोर्टेंट हेते कारण देखो जते बेळे भी मु कहिले कोन आरटीआई कथा आरटीआई माने सबले मार्क करबो ये होचे अकाउंटेबिलिटी विभिन्न वे रे से देखै थाय पब्लिक ऑफिसर माने जे पीआईओ गुडा कहू छै बारंबार पीआईओ गुडा ओके ए दैट इज रुचि जे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड पब्लिक इन्फॉर्मेशन जे ऑफिसर गुडा ए माने जहां भी पढो छै माने प्रोवाइड करू छथि इन्फॉर्मेशन विथ इन टाइम लिमिट रे जदि प्रोवाइड करबे त ठीक कथा नॉल पेनल्टी भी लागबो ये भी डायरेक्टली एक्ट रे रहै छै सिंपल बुझे होचे सेमती क्वेश्चन है जे टाइम बाउंड मेनर रे जदि प्रोवाइड करबे ठीक ठाक होचे तबे जे से जिंस अकाउंटेबिलिटी देखैबो एई सब जिंस ठीक जानिबा दरकार बुझे होचे तो डेफिनेटली ए जे आगरो जे ऑफिशियल जे मो कहबा माने ऑफिशियल जे सीक्रेट एक्ट जे 1923 हेतु माने ऑफिसर माने जे देखिबो इन्फॉर्मेशन देबा पे मना कर दथले डायरेक्ट ओके ए होचे थिला कथा तो ये कहबा माने बे बुझेला तो एबे खाली जस्ट कहि दउचे कंसर्न गुडा कोन रहउचे राइट एटे देखो कंसर्न गुडा तो कंसर्न एसोसिएटेड विथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई राइट तो ये कौन सब कंसर्न रहउचे तो डेफिनेटली गोटे कंसर्न तुम्हें कही पारो जे ये सब मेन्स गुडा रे दरकार हो तो पोर रेकॉर्ड कीपिंग मु कौन कहले सामना पटे जदि इन्फॉर्मेशन जड़े मागुथ लोक तो तुम्हें ये हूँ ऑफिस भितर जो कोऑर्डिनेशन टा नथिबो गुडे मु कहबी जदि रेकॉर्ड गुडा सेठी रखा ही नथिबो ताले से जदि सपोज से रेकॉर्ड गुडा कौन लैक ऑफ रेकॉर्ड रेकॉर्ड आर नॉट हूँ इन प्रॉपर फॉर्मेट रे थिबो जदि किबा हजी जाइथिबो जदि ताले जिनसो केमते सामना बला को जणइबो बुझिला तो कथा तो ये हूँ कथा तो इन्फॉर्मेशन गुडा हूँ तुम्हें देख कौ जगह बिल्डिंग लैंड किंबा विभिन्न प्रकार जगह पड़ो आ सेकेंड कौन कहूँ ना लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ स्टाफ अभाव रोचे स्टाफ अभाव इन द सेंस जदि देखिबो इन्फॉर्मेशन कमिशनर ओके इन्फॉर्मेशन कमिशन इन होची जदि देखिबो मणिपुर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बिहार पंजाब गुडा रे ए माने चलै छथि किंतु ताकर मुखिया ही नै त माने होची चीफ इलेक्शन बा चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशन जदि देखिबो सेठी नै से जगह गुडा रे त बुझि होची दैट इज होची जदि कहबा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ स्टाफ कहबा त माने होची जदि देखिबो जदि हमर जे कॉमन वेल्थ ह्यूमन राइट जे स्टडी ऊपर जदि हमें देखि आरटीआई जदि प्लेयर गुडा बढ़ी बढ़ी माने आरटीआई जो केसेस गुडा जदि कहबा प्लेयर गुडा तो बढ़ी बढ़ी चलीचे जदि देखिबा हम 2012-13 फाइनेंशियल ईयर रो 2018 जो 19 जो फाइनेंशियल ईयर पजन जदि हमें देखिबा पाखापाखी 6 वर्ष कथा कहा होचे भितरे जदि 83% होचे राइजिंग हेचे जदि देखिबो माने प्लेयर गुडा जो डेट जो आरटीआई प्लेयर गुडा बुझि होचे किंतु सेही मात्रा रे सॉल्व होई परचे कि ओनली होचे 13% हाईलाइट होचे जदि देखिबो ए मात्रा हैंडल करा चलीचे ए सब जिंस तो डेफिनेटली ए होचे लैक ऑफ हमें भी कोई परबा इंफ्रास्ट्रक्चर किंबा स्टाफ ए सब जिंस पई ए जिंस हमें देखा पाऊ देन ये कौन कहुचे ह्यूज पेंडेन्सी एंड हूँ डिले ओके तो डिले रोचे जिनस तो डिले है द्वारा मानते पेंडेन्सी देख मुझे मानते ये गोटे सतर्क नागरिक जो संगठन स्टडी ये गोटे कहे आप्रोक्सीमेटली 3.14 लाख पीपुल बा अपील गुड़ा जब पीपुल कहे कंप्लेन गुड़ा तो ये गोटे पेंडिंग रही है जी देखिए जून हूँ आम 2022 तक ये सब जिन तो भाभी पार्थ के मात्रा रहे ह्यूज केसेस पेंडिंग रही है तो बैकलॉग को देखा गोटे जिनसटा राइट देन जो देखो थ्रेट एंड वायलेंस भी होती थ्रेट एंड वायलेंस इन द सेंस जब लास्ट आम विगत 15 वर्ष कथा देखा पाखापाखि मानने 80 जन रु अधिक लोक जब देखो मानने मारि दिखाई बुझे हूँ आरटीआई से फाइल करते तो एम को किसी गोटे सेनसीटिव इश्यू पर थी आईदार हो इनफर्मेसन नदेना बर उल्टा हो दिखाई किल होती मरी 175 जन पाखापाखी हो आटाक भी होती आक्रमण भी करके सेभेराल एप्लिकांट हो रिपोर्टेड बिंग हरास हरास होती बोली भी कहते बहुत मात्रा में बुझे हूँ तो थ्रेट रोचे भाईलेन्स रोचे आउ एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि ये सब जिन जाना दरकार तेज जाइना तुम्हें अफिसीयल जिनस गुड़ाक तुम्हें बुझे पार तुम सबडिने स्टाफ गुड़ाक ओके देन एटी जदि देखो लैक ऑफ अवेयरनेस लैक ऑफ अवेयरनेस कहले कौन एत जाए भी एत दिन एनाक्ट मानने एनाक्टमेंट है कितने एत जाए भी अवेयरनेस लोक मैं पहुँचे से रईट विषय
तो डेफिनेटली ये जिनसा मुझे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द लॉ ठीक अच्छे स्पेशली जब आम देखा रूरल एरिया कथा रूरल इंडिया तो ये हूँ थी कथा तो बेसिक बेसिक जिनस तो मुझे कौन कहली ये जिनस गुड़ा हेले ये धरा जो मुझे कहि लोक मानकर जो इंटरेस्ट जो जिनसटा हो तर सामनापट देखा दरकार आउ मेनली हूँ तुम जो क्वेश्चन फोकस रखो यही जगार जो सेकेंड शेड्यूल ओके से पचारिद सेकेंड शेड्यूल कौन जिनसटा रखा जाए एग्जामिनेशन उपरे क्वेश्चनटा एथर जो जदि भी आसे बेसिक पॉइंट दुईटा आ गोटे पॉइंट रोचे से क्लिक करदे एग्जामिनर जदि रिसेंट देखिकना क्वेश्चन होके देन ये हूँ थी कथ आउ ओसी एक्ट उपरे बुझेगा ताऊपर जी पचार ये रिलेटेड टू दैट इज योर आरटीआई ओसी ओएसए कथा कहले जो 1923 कहले ठीक अच्छे तो ये भी कहब हूँ आरटीआई कथ कारण ये हूँ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन बनइब ओके तो डेफिनेटली जदि देख मु कहवा मैंने सिंपल देख व्हाई सुड गवर्नमेंट ओके गवर्नमेंट बी अफ्रेड ओके अफ्रेड बा मु कहबी जदि डरुचे कौन पाई कनसर्न कौन पाई रही है जदि से भितर किसी लुचेबार ना बुझे जदि किसी इनफर्मेसन लुचेबार ना तो गवर्नमेंट कौन पाई डरुचे मुझे कह ओके व्हाई ओनली गवर्नमेंट गेट टू डिसाइड व्हाट इज नीड टू कीप सीक्रेट कौ जिनस गुटे रखा जाव कौन ना गोटे डेमोक्रेसी आम कौचे गणतांत्रिक राष्ट्र तो से भितर हूँ कौ जिन कौ इनफर्मेसन लोक मैंने सामनापट लोक मैं सरकार रईट तो गवर्नमेंट तो तेज आम गुड गवर्नान्स जिनस को कमी देखे पार्बा तो ये हूँ थी कथ तो डेफिनेटली मुझे कह तुम्हें जाथ जो मन भी जो ओसी आरटीआई एक्टर जो सेक्शन 22 कथ सेक्शन 22 कथा तो ये इटि भी सही जिनस प्रति दि जाइला जे भाया ये ओसे उपरे दि जाइला ओके ये कहूनी देन आम वे फरवर्ड को जीवा तो वे फरवर्ड में कौन दब जिनसा कि ना फाइलिंग अफ हो वैकेंसी तो सॉरी फाइलिंग होची फिलिंग अप वैकेंसी ता माने जहां जे जगह गुटे क्विक डेफिनेटली क्विक से गुडा तुम तक जहाँ पेंडिंग केसेस रोचे तेज जाइना से गुटा मैनेज हो पारे ना ना सेमती ही वैकेंट जब रही थो तो विथिन गोटे मिनिमम होती तीन मस भर दवा ये जिन गुड़ा कही कही भी थके गले कितु करा भी जाऊनी ओके देन हूँ अवेयरनेस देवा दरकार ये हूँ इंपोर्टेंट थिंग अवेयरनेस देवा दरकार ओके स्कूल हो कॉलेज हो एजुकेट करवा दरकार सिटीजन मानक जो अधिकार उपरि कहि पर्टिकुलरली राइट ये जाना दरकार वेल एजुकेटेड पर्सन हिसाब से भी देन प्रोटेक्शन देवा दरकार जे मैंने भी जो जमी कहले जो थ्रेट करवा किलिंग केस गुड़ा आसूबा हरास केस गुड़ा आसूसी जदि भी सामनापट जब अपिल करते आ ट्रेनिंग देवा दरकार क्यों मानक ट्रेनिंग पीआईओ गुड़ा हो तो से तेज कैपासीटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो पारे बुझे एम को दे स्ट्रेंथन करेंगे देन हूँ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर तेज जाइना से प्रोएक्टिव डिस्क्लोज इनफर्मेशन प्रति गुटे मुझे कह मैंने जहाँ भी बुर्डेन गुटे जहाँ भी पड़ जाए पेंडिंग केसेस गुड़ा तेज सल्व हो पार ओके आउ डेफिनेटली जिन एनहांस करेंगे कहे ट्रांसपेरेंसी को देखेब जी गोटे गवर्नेंस स्ट्रक्चर तो आई थिंक ये हूँ क्लीयर रहा तो से भाया किसी नुहे ठीक अच्छे देन आम लेंदी हो स्पेशल कैटेगरी स्टाटस कथा आम पूरा कहीदे रईट तो ये हूँ थी कथ सिंपल सिंपल जिनस कहीदे आठ किसी ना ओके आदि भी रिमेनिंग किसी जिन रही है आम जिते क्वेश्चन डिस्कसन करी तो से गुड़ाक जिन कहीदेवी ओके ठीक अच्छे जदि भिड भल लगुच निज सांग सहित सेयार करो ओके एवं चैनल को जो मैंने प्रथम थर पर भिजिट करते डेफिनेटली सब्सक्राइब करने भूलबनी ओके तो ठीक अच्छे थैंक्स फॉर वाचिंग।